हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ENS। इसको फर्दर दो टाइप में बांटा गया है, जैसे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसको अपन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कहाँ कहाँ इसके फाइबर्स होते हैं इसको देखते हैं। जैसे ये ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के लिए, वो बड़े रहेंगे। फिर यहाँ पे गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया पे सिनेप्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं एन टाइप रिसेप्टर्स। एन का मतलब ये जो है रिसेप्टर नर्व और नर्व के बीच में है, इसलिए इसको एन टाइप रिसेप्टर बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन नर्व एंड नर्व। और जो देखो पैरासिंपैथेटिक के लिए तो क्रेनियल से निकला और सैक्रल से निकलते हैं कुछ, यानी ये होता है पैरासिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है क्रेनियोसैक्रल। तो सैक्रल से जो निकलेंगे पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो भी बड़े होते हैं और इनका गैंग्लियन दूर होता है, मतलब ऑर्गन के पास होता है और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पे वही गैंग्लियन, सिनेप्स और ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। इसी प्रकार देखो ये हुआ क्रेनियल और ये हुआ सैक्रल, क्रेनियल सैक्रल। और इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं, इसके भी एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करते हैं। जैसे ये किसी भी ऑर्गन पे जाते हैं, जैसे कि आई में, ये फर्दर कहीं पे। इसी प्रकार ये जो एसिटाइल कोलिन है इनके सिक्रेशन के कारण, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे एसिटाइल कोलिन के सिक्रीट होने के कारण इसको अपन कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। और सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसका आउटफ्लो होता है थोरेकोलंबर। ये थोरेकोलंबर पार्ट है, यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होते हैं, यानी ऑर्गन के दूर इनका गैंग्लिया होता है। यहाँ पे गैंग्लियन हुआ, यहाँ पे वही रिसेप्टर हुआ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का, इसके रिसेप्टर भी एन टाइप के होंगे, इसके रिसेप्टर भी एन टाइप के होंगे, इसके रिसेप्टर भी एन टाइप के होंगे, यानी जो नर्व और नर्व के बीच का रिसेप्टर होता है वो एन टाइप का होता है। ये जैसे स्वेट SWEAT स्वेट ग्लैंड, ये इसका स्वेट ग्लैंड पे गया, ये जैसे हार्ट पे गया, ये गया। जो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं इनके न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइल कोलिन ही होते हैं, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेशन होता है वो इनका होता है नोरएड्रेनालिन। लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पे स्वेट ग्लैंड पे इनका सिक्रेशन होता है एसिटाइल कोलिन का, लेकिन मेजरली क्या होता है नोरएड्रेनालिन का। नोरएड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है सिंपैथेटिक सिस्टम में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एड्रिनर्जिक सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का जो फंक्शन होता है ना ये अपोजिट होता है। तो यहां पे जैसे ये देखो पैरासिंपैथेटिक का क्रेनियल सैक्रल, सिंपैथेटिक का थोरेको लंबर, इसको लिख देते हैं थोरेको लंबर आउटफ्लो। सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे, पैरासिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे और सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े। पैरासिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं एसिटाइल कोलिन, लेकिन सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइल कोलिन होते हैं लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नोरएड्रेनालिन।
और एक्सेप्शन के तौर पे स्वेट ग्लैंड पे इनका सिक्रेशन होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक, इन पे मेजरली नोरएड्रेनालिन सॉरी एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन होता है। किसका होता है? एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन होता है, इसलिए इनको कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, और इस पे एड्रेनालिन का होता है, इसलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे फाइबर्स देखें, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सिंपैथेटिक में छोटे, ये सब ऊपर बता दिए, सेम वही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का जो ओरिजिन होता है, इसकी क्रेनियल पे आउटफ्लो होता है क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 और सेक्रल नर्व नंबर होता है 2, 3, 4। थर्ड होती है ओक्यूलोमोटर, फेशियल 7, 9 होती है ग्लोसोफेरिंजियल और 10 होती है वेगस। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे एक्शन करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंपैथेटिक रिलेटेड टू सिंपैथी, और सिंपैथी जो होती है वो हर्ट पे दी जाती है, मतलब सिंपैथी रिलेटेड टू हर्ट, तो ये हर्ट को तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और बाकी सबको डिप्रेस करेगा, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक में इसका उल्टा होगा, ये हर्ट को तो क्या करेगा, डिप्रेस, और बाकी को क्या करेगा, स्टिमुलेट। सिंपैथी रिलेटेड टू हर्ट यानी हर्ट को स्टिमुलेट, बाकी सबको डिप्रेस। देखो पैरासिंपैथेटिक हर्ट को डिप्रेस कर रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट कर रहा है, ये अदर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, बाकी को डिप्रेस कर रहा है। जैसे कि अदर्स में ब्रोंकस, ब्रोंकस का जब स्टिमुलेशन होगा तो मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा, कौन, पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक इसकी जगह ब्रोंकोडायलेशन करवाएगा, मतलब डिप्रेस करवा रहा है उसको। जीआईटी में जब इसका स्टिमुलेशन होगा तो ज़्यादा मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी होगी तो डायरिया कॉज होगा, और इधर इसकी मोबिलिटी कम करवाएगा, डिप्रेस करेगा, तो क्या कॉज होगा, कॉन्स्टिपेशन। जैसे ब्लैडर में पैरासिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन कॉज करेगा, जिससे कि यूरिन आउटफ्लो बढ़ेगा, बिकॉज डिट्रूसल मसल्स का कॉन्ट्रक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रक्शन बढ़ेगा तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ेगा, और ये रिलैक्सेशन करवाएगा, मतलब डिप्रेस करेगा उनके फंक्शन को, तो यूरिन आउटफ्लो कम होगा। जैसे ग्लैंड्स पे क्या होता है, ग्लैंड्स पे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक वही है कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन, तो वाटर सिक्रेशंस को बढ़ाएगा, जबकि सिंपैथेटिक वाटर सिक्रेशंस को कम करेगा। प्यूपिल पे क्या करेगा, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा तो मियोसिस कॉज होगा, मियोसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसका जो, इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि मियोसिस कॉन्ट्रैक्शन और मिडरियासिस होता है डायलेशन, जैसे कि मियोसिस छोटा है मिडरियासिस से, तो स्मॉल कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं, स्मॉल नैरो ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटा है नैरोइंग कर रहा है, मियोसिस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और वो किससे होता है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से, और मिडरियासिस का मतलब होता है प्यूपिल का डायलेशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, इनको न्यूरोट्रांसमीटर जब ही कहेंगे जब ये, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये नर्व के अंदर ही बनने चाहिए, तब जाके वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, जैसे इस नर्व के अंदर कोलिन आया, कोलिन के एंट्री करने वाला जो स्टेप होता है, अपटेक ऑफ कोलिन वाला स्टेप होता है, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। जैसे कोलिन के आने के बाद ये इसका रेट लिमिटिंग और स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, तो कोलिन को नर्व के अंदर एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट किया जाता है। एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट करने के बाद इसको नर्व एंडिंग में सेंड कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो कोलिन एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होने के बाद नर्व एंडिंग में वेसिकल्स में आया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एसिटाइलकोलिन एंट्री इनसाइड द वेसिकल, यानी वेसिकल्स में एसिटाइलकोलिन को भर भर के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। फिर यहाँ पे जब स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन के बाद क्या होता है, इसका यहाँ पे अटैच होकर रप्चर होते हैं, रप्चर होने से एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बिखर जाता है सैनेप्स में, और यहाँ पे जैसे कि ये है रिसेप्टर्स पे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है और अपना एक्शन करता है।
तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को डिग्रेडेशन करने के लिए एसिटाइल कोलिन स्टरेज होता है, जो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है।